बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी वीडियो जी OTS के रिलेटेड है, और अभी रिसेंटली OTS ने बहुत सारी जॉब जो है अनाउंस की हैं, और OTS वक्तन फवक्तन बहुत सारी जॉब जो है वो अनाउंस करता रहता है। तो आज की हमारी वीडियो OTS के टेस्ट के रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने OTS की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे OTS के पास पेपर जो पिछले एक दो सालों में आए हैं, उनमें से उन पास पेपर्स के लिए गए जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट MCQs, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप जो है OTS के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह के सवाल आते हैं, और कई बार यही सवाल रिपीट भी हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला सवाल है हमारे पास, द टाइगर ऑफ मिजूर इज कॉल्ड, टाइगर ऑफ मिजूर किसको कहते हैं जी? तो इसका राइट आंसर है जी टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मिजूर कहते हैं जी टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, इन इंडस वैली अलूवेल सॉइल वॉज यूज फॉर मेकिंग, इंडस वैली में जो अलूवेल सॉइल होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है जी? फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ये ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, जामिया मस्जिद डोमेस्कस वॉज बिल्ट बाय, जो डोमेस्कस की जामिया मस्जिद है वो किसने बनाई थी? वलीद वन ने जो है जामिया मस्जिद डोमेस्कस की बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेंट जॉर्ज फोर्ट वॉज बिल्ट इन, सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है किला जो है कब किसने बनाया था? वो मद्रास में बनाया जी, जिसको अब चेन्नई भी कहा जाता है। सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है मद्रास में बनाया गया था, जिसको चेन्नई भी कहते हैं अब, चेन्नई इंडिया। नेक्स्ट सवाल है जी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज वाज, ब्रिटिश राज का पहला कैपिटल कौन सा था? तो उसका राइट आंसर है जी कलकत्ता, ब्रिटिश राज का पहला कैपिटल कलकत्ता था जी। नेक्स्ट सवाल है जी, लास्ट मुगल एम्पायर वाज, आखिरी मुगल एम्पायर कौन सी थी? वो मुगल एम्परर था जी वो थे बहादुर शाह टू, राइट आंसर इसका जी बहादुर शाह टू, लास्ट मुगल एम्परर। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ वाज फाउंडेड इन विच ईयर, फैटफ किस साल में बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है जी 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्थूसियन थ्योरी इज रिगार्डिंग, मल्थूसियन थ्योरी किसके रिलेटेड है जी? ये जी पॉपुलेशन, मल्थूसियन थ्योरी जो है पॉपुलेशन के रिलेटेड है, पॉपुलेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है जी, फर्स्ट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन, पहला T20 मैच किसके दरमियान हुआ था? वो है जी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच वॉज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जी, नेम द ओनली सिटी विच वॉज विच हैज होस्टेड 3 ओलंपिक्स, किस शहर ने जो 3 ओलंपिक्स होस्ट किए हैं? तो राइट आंसर है जी लंदन, लंदन ने 3 ओलंपिक्स जो है होस्ट किए हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट सवाल है जी, और तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है? अगर आप OTS हो गया, PTS वगैरह क्या होगा, PPSC NTS FPSC वगैरह के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है? वो है जी ilmki.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप लोग पास पेपर्स और बुक्स वगैरह बसानी डाउनलोड कर सकते हैं। OTS की सुप्रीम कोर्ट्स की जॉब जो हैं वो, और बाकी जो असिस्टेंट्स वगैरह की जॉब हैं उनके पास पेपर्स भी और उनके रिलेटेड बुक्स वगैरह भी PDF में जो है हमारी वेबसाइट पर अपलोड हैं, वहाँ से आप लोग बसानी डाउनलोड कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के सवाल भी वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास जी, द मुस्लिम इन्वेडेड स्पेन इन, मुसलमानों ने स्पेन पर कब हमला किया था? 711 AD में मुसलमानों ने स्पेन पर हमला किया था। नेक्स्ट सवाल है जी, हु इज कॉल्ड ब्रेडमैन ऑफ एशिया, क्रिकेट की वर्ल्ड में ब्रेडमैन ऑफ एशिया किसको कहते हैं? वो है जी ज़हीर अब्बास, ज़हीर अब्बास इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेडमैन ऑफ एशिया। नेक्स्ट सवाल है जी, विच जापानीज किंग रोट ए बुक विद हिज ओन ब्लड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आता है जी, कौन से जापानीज बादशाह थे जिन्होंने अपने खून से किताब लिखी थी? वो हैं जी एम्परर सुटोको, सुटोको ने अपने खून से जो है किताब लिखी थी। नेक्स्ट सवाल है जी, वो इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं जी? वो हैं जी समुदार गुप्ता, समुदार गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशियंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम इज टुडे नोन एज, एंशियंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम की पुरानी सिटी को आजकल क्या कहते हैं? इस्तांबुल, तुर्की का शहर जो है एंशियंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू सिविल जज, पाकिस्तान का पहला हिंदू सिविल जज किसको अपॉइंट किया गया था जी? वो थे जी सुमन बुदानी, सुमन बुदानी को पहला हिंदू सिविल जज अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट सवाल, विच मुस्लिम कंट्री रिकॉग्नाइज चाइना इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 1950,
जनवरी के पहले हफ्ते में 1950 में किस मुसलमान मुल्क ने चाइना को तस्लीम किया था? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है जनवरी के पहले हफ्ते में 1950 में चाइना को तस्लीम किया था। अगला सवाल, वुल्फ मून इज ट्रेडिशनल नेम फॉर द फुल मून ऑफ, वुल्फ मून किसको कहा जाता है? ये है जी जनवरी के ट्रेडिशनल मून को कहा जाता है, फुल मून, जनवरी के फुल मून को वुल्फ मून कहते हैं जी। नेक्स्ट, और तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट वही ilmki.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप लोगों को पास पेपर्स और बुक्स वगैरह आसानी से मिल जाएंगी। OTS के आर टेस्ट के रिलेटेड वहाँ पर डाटा मौजूद है, आप वेबसाइट को लाजमी विजिट करें ताकि आप लोगों को जो है तालीमी मवाद वहाँ से आसानी से मिल सके। तो अगला सवाल इस बढ़ते, अगला सवाल है, वो वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन कौन था? वो था जी अब्दुल हफीज कारदार। अब्दुल हफीज कारदार वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन, एजुकेशन का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 जनवरी इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स मदर ऑफ ऑल बम्स इन जनवरी 2019, मदर ऑफ ऑल बम्स किस मुल्क ने जो है जनवरी 2019 में टेस्ट किया था कामयाबी से? वह जी चाइना। चाइना ने मदर ऑफ ऑल बम्स जो है जनवरी 2019 में कामयाबी से तजर्बा किया था इसका। अगला सवाल, सी पैक हैज़ नो हाउ मैनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी पैक में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं? तो वो है जी 9, सी पैक हैज़ 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड का ऑथर कौन है जी? वो हैं जी मलाला यूसुफ़ज़ई, वी आर डिस्प्लेस्ड इन्होंने बुक लिखी थी जी मलाला यूसुफ़ज़ई ने। नेक्स्ट सवाल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? यह जी 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है हर साल। अगला सवाल, हलीम दानिजीना इज़ द फर्स्ट एवर मुस्लिम जज इन स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया बिलोंग्स टू विच कंट्री, हलीम दानिजीना जो है पहले मुसलमान जज थे कैलिफोर्निया में, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? वो है जी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब वॉज लॉन्च इन, यूट्यूब कब लॉन्च की गई थी? तो इम्पॉर्टेंट सवाल है जी, ये इसका आंसर है जी 2005, यूट्यूब वॉज लॉन्च इन 2005। नेक्स्ट सवाल, सिंगापुर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री इन 1965, सिंगापुर किस मुल्क से 1965 में अलहदा हुआ था? वह जी मलेशिया, सिंगापुर सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया इन 1965। नेक्स्ट है जी, बोल्शविक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, बोल्शविक रेवोल्यूशन जो है किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है? यह रशिया। नेक्स्ट सवाल, इन अमेरिकन हिस्ट्री नेम द ओनली प्रेजिडेंट हु रिज़ाइंड, अमेरिका की तारीख में कौन से सदर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, सिर्फ उन्होंने रिज़ाइन किया था? वो थे जी रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन हैज़ रिज़ाइंड, ओनली प्रेजिडेंट हु रिज़ाइंड फ्राम इट्स पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री हैज़ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर वार हेड्स, इसका राइट आंसर होगा जी रशिया, रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स हैं जी। और मजीद अच्छी तैयारी के लिए करंट अफेयर्स के सवाल लाजमी याद किया करें, और करंट अफेयर्स के सवाल हर पेपर में लाजमी आते हैं जी। हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के जो है वीडियो हर हफ्ते अपलोड होती रहती है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी अपलोड हैं, लाजमी जाकर विजिट करें ताकि आप लोगों के टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी हो सके। और जनरल नॉलेज की तैयारी भी लाजमी करें, जनरल नॉलेज की वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड हैं, वो भी लाजमी एक बार देख लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और PDF में अगर आप लोगों को कोई भी डाटा चाहिए, पास पेपर्स, बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह, तो आप हमारी वेबसाइट ilmki.com से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार लाजमी विजिट करें। और वहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सवाल जो है हम लोग डेली बेसिस पर अपडेट करते हैं, तो आप वक्तन पर वक्तन वेबसाइट को लाजमी विजिट करते रहा करें। और ये थी हमारी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त मिलते रहें। और वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किया तो वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, ilmki.com वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।